अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिगार्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में पीने वाले पानी और इसमें पाए जाने वाले जरासीम और उनके असरात पर बात होगी। इट इज़ कॉमन स्टेटमेंट दैट क्लीन वाटर इज़ द राइट ऑफ ईच पर्सन इन वर्ल्ड। व्यूअर, साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हकूक है। सो ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी फ्री फ्राम द माइक्रोबियल कंटामिनेशन सच एज बैक्टीरिया, वायरसेज एंड अदर्स। ड्रिंकिंग वाटर तमाम किस्म के जरासीम जिनमें बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे जम से मुकम्मल पाक होना चाहिए। नेचुरल फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर कैन बी कंटामिनेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट which can contain infectious microorganism which can cause a different disease. कुदरती तौर पर फ्रेश और मरीन पानी में इंसान और जानवरों के फजले से कंटामिनेशन हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बीमारियां फैलाने वाले जरासीम पाए जाते हैं। These microorganism can cause a different diseases like diarrhea, stomach cramps, nausea, vomiting, hepatitis and polio. ये जरासीम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं, जिनमें diarrhea, stomach cramps, nausea, vomiting, hepatitis और polio वगैरह हो सकती हैं। Generally, taste and water smell can be changed due to the microbial contamination. आमतौर पर पानी में जरासीम की मौजूदगी की वजह से पानी का टेस्ट और स्मेल तब्दील हो जाती है। सो आई नीड टू टेस्ट वाटर फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन टू अवॉइड हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए ज़रूरी है कि पानी का माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट कराए जाएं ताकि सेहत के मसाइल से बचा जा सके। नाउ हाउ टू रिमूव द माइक्रोबियल कंटामिनेंट फ्राम कंटामिनेटेड वाटर बाई यूजिंग दीज टेक्निक्स। नंबर वन, बॉइलिंग। वाटर शुड बॉयल एट लीस्ट फॉर 1 मिनट टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। नंबर टू, फिल्ट्रेशन। नंबर थ्री, यूवी ट्रीटमेंट। नंबर फोर, रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी से ये जरासीम कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर वन, पानी का उबालना या बॉयल करना। पानी को कम से कम 1 मिनट के लिए उबालना चाहिए ताकि जरासीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। नंबर दो, फिल्ट्रेशन, पानी को फ़िल्टर किया जाए। नंबर तीन, यूवी ट्रीटमेंट। यूवी ट्रीटमेंट से जरासीम तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। नंबर फोर, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तमाम टेक्निक्स हैं जो पानी में माइक्रोऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। व्यूअर, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हैं तो आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।